सी इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन वेल्स की ग्रामर क्लास और आज डे 20th। हम प्रेजेंट फैमिली, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट कॉमन है और जब इंटरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं। लेकिन आज हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनमें उन क्वेश्चन वर्ड्स के जस्ट बाद आएगा नाउन और नाउन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हैं, प्रेजेंट सिंपल आई बी यू दे प्लूरल डू ही शी इट सिंगुलर नाउन डस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज या है, he she it singular noun तो has, I be you they plural noun तो है और present perfect continuous tense में भी यही है। और उसके बाद tense के अनुसार हम verb लगाते हैं present simple में verb की first form, present continuous में verb की first form है has, present perfect में has have के बाद verb की third form, present perfect continuous tense में has have subject been और फिर verb की first form है ing और same ही हम की position 4 या since कर। पहला क्वेश्चन वर्ड हम ले रहे हैं विच, विच का अर्थ है कौन सा, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, तो विच के बाद हमें अखबार जो नाउन है उसकी विच बोलनी होगी, कौन सा अखबार, विच न्यूज़पेपर, आप पढ़ते हैं यू आया तो हेल्प यू ऑफ डू लगाएंगे, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। अब यही प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आप कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं तो विच न्यूज पेपर आर यू रीडिंग, रीड में लगा देंगे आई जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप कौन सा अखबार पढ़ चुके हैं, आपने कौन सा अखबार पढ़ा है, आपने कौन सा अखबार पढ़ लिया है, इन तीनों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में विच न्यूज पेपर हैव यू रीड यूज करें। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आप बचपन से कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, आप सुबह से कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, आप 2002 से कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, समय भी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और वहां हम ये यूज करेंगे विच न्यूज़पेपर हैव यू बीन रीडिंग। बचपन से सिंस चाइल्डहुड, 1992 से सिंस 1992, दो सालों से फॉर टू ईयर्स, सुबह से सिक्स मॉर्निंग, तो ये भी सीखा हमने विच का यूज और विच की बात लगाया आपने ना, कौन सा अखबार, विच न्यूज पेपर, कौन सा स्कूल, विच स्कूल, कौन सा कॉलेज, विच कॉलेज, कौन सी सिटी, विच सिटी, कौन सा शहर, विच सिटी, कौन सा देश, विच कंट्री, इस तरह से। और उसके बाद टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग करते हैं। आइए हम इसके विच के बाद अगला यूज जो हम ले रहे हैं वो है इन विच, इन विच माने किस में, विच के पहले ही हम यूज करेंगे इन विच यानी किस में, हिंदी में यूज करते हैं तो विच के पहले हम सभी में इनका यूज करेंगे इन विच और हर टेंस का हम यहां पे यूज देखते हैं। वह किस शहर में रहता है, अब किस शहर में, इन विच सिटी, इन विच सिटी ऐसा आएगा, वह रहता है तो ही के अनुसार है वह प्रेजेंट सिंपल में डज लगाएंगे, इन विच सिटी डज ही लिव, डज के बाद सब्जेक्ट प्लूरल की फर्स्ट फॉर्म, इन विच सिटी डज ही लिव। अब यही सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वह किस शहर में रह रहा है तो इन विच सिटी इज ही लिविंग, इन विच सिटी इज ही लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह किस शहर में रह चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इन विच सिटी हैज ही लिव्ड की थर्ड फॉर्म लिव्ड, इन विच सिटी हैज ही लिव्ड। अब यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वह पिछले 3 सालों से किस शहर में रह रहा है, पिछले 3 सालों से या किस लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन विच सिटी हैज ही बीन लिविंग,
फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स, पिछले 3 सालों से, फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स। इस तरह से हम किसने के लिए हम इंग्लिश कराते हैं, इंग्लिश के बाद नाउन, उसके बाद जो भी टेंस है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर टेंस के अनुसार इंग्लिश वर्ब ऑब्जेक्ट। आइए हम उसके बाद अगला क्वेश्चन वर्ड सीखते हैं, वो है हाउ मच, यानी कितना, मात्रा में कितने के लिए हम यूज करते हैं हाउ मच। मात्रा यानी क्वांटिटी, कितना दूध हाउ मच बिल, कितना समय हाउ मच टाइम, कितना पैसा हाउ मच मनी, इस तरह से यूज करते हैं। पहले हम इसे नोट कर लेते हैं ताकि सीखने में इजी रहेगा। हाउ मच प्रेजेंट सिंपल का यूज देखते हैं। आप रोज कितना दूध पीते हैं, अब कितना दूध मात्रा क्वांटिटी वी कांट काउंट, तो इसमें हम हाउ मच का यूज करेंगे। आप कितना दूध पीते हैं, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, रोज ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैंसिल करते हैं कि आप कितना दूध पी रहे हैं, तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंतजार हम हाउ मच के बाद नाउन मिल्क लाएंगे। हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग, पी रहे हैं। अब यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, आप कितना दूध पी चुके हैं, हाउ मच मिल्क Have you drink it from drunk? How much milk have you drunk? D-R-U-N-K. अब यही present perfect continuous, कि आप बचपन से daily, रोज कितना दूध पी रहे हैं, तो how much milk have you been drinking daily since childhood? बचपन से, since childhood, ये use करके। कितना दूध पी रहे, कितना पानी हाउ मच वाटर, कितना समय हाउ मच टाइम, इस तरह से यूज करते हैं। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट देते हैं कितना संख्या, तो कितना यदि संख्या में है तो हम मच के स्थान पर मेनी का यूज करेंगे, हाउ मेनी यानी कितना, और किसमें संख्या, हाउ मेनी कितना संख्या। सिंपल लेते हैं, आप कितने स्टूडेंट्स डेली पढ़ाते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से, ताहे दिए दे हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच डेली, आप रोज कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच डेली। अब यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आप कितने स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस को साइन करेंगे, How many students are you teaching? How many students are you teaching? अब लेते हैं present perfect tense. आप कितने students पढ़ा चुके हैं? तो how many students have you taught? Teach, taught, taught. Teach is perform, taught. How many students have you taught? और last, आप पिछले 3 सालों से कितने students पढ़ा रहे हैं? यहां पिछले 3 सालों से आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव यू बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स। इन दिस वे यू कैन आल्सो मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग ऑल दिस स्पेशल क्वेश्चन एंड मेक इट्स प्रैक्टिस। हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ के बाद इन विच, इन के यूज आप करें, बोल बोलकर प्रैक्टिस करें इसकी, इनके साथ नाम बनाएं। एक साथ हमने सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस लिया, इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हियर वी आर गोइंग टू फिनिश टुडेस क्लास, यू शुड स्टार्ट वॉचिंग अवर वीडियोस फ्रॉम द डे 1, कीप वॉचिंग देम एवरी डे, इन दिस वे यू विल जस्ट लर्न, रिवाइज, रिमाइंड, रिकॉल एंड यू विल मेमोराइज, एंड इफ यू डेफिनेटली कैन यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद इट, you can start reading any book, watching any movie in English, and watching
English TV news channel. These two things also help us. And talk to your friend, make small paragraphs. Here, we are going to finish today's class. Thanks a lot for being with me. See you tomorrow.